मेरा नाम अंजनी कुमार सहाय है और हम जो है पटना से छपरा के रहने वाले हैं और छपरा से ही देवरिया गए थे बाबा का दर्शन करने के लिए। और ये घटना आज से 30 साल पहले की है। देवराहो बाबा का दर्शन करने के लिए देवरिया लाल रोड में मैं और पिताजी साथ में गए थे और उस समय देवराहो बाबा का दर्शन हुआ हम लोगों का। तो एक इलाहाबाद के जज साहब आए थे, उनकी बच्ची को पैरालिसिस अटैक कर गया था, तो वो देवराहा बाबा से हाथ जोड़ के जो है विनती कर रहे थे। तो देवराहा बाबा ने बोला कि आप बतलाइए क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं। तो इलाहाबाद के जज साहब ने बताया कि आप तो गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। तो बोले, नहीं बच्चा, बोलो बोलो क्या दिक्कत है। तो बोले कि मेरी बच्ची को पैरालिसिस अटैक कर गया है। तो बोले कि बच्ची कहाँ है, लाओ। तो फिर उनकी बच्ची जज साहब की गाड़ी में बैठी हुई थी, जज साहब गए बच्ची को लेके बैसाखी के माध्यम से देवराहा बाबा के सामने लेके आए। फिर देवराहा बाबा ने उस बच्ची को देखा और ऊपर से एक सेव दिखलाया और कहे कि बच्ची सेव लोगी। तो बच्ची ने कहा कि जी सेव लेंगे। फिर देवराहा बाबा ने वन बाई वन करके 5 सेव ऊपर से नीचे गिराए। बच्ची जो है उस सेव को उठाई, पांचों को, और उठाने के बाद से जो है देवराहा बाबा की तरफ देखने लगी और बाबा बच्ची को देखने लगे। उसके बाद से बड़े महाराज जी को ये देवराहा बाबा बुलाए और बोले कि फलाना वाला योगा जो है बच्ची को बता दो। फिर बड़े महाराज जी बच्ची को योगा बताए कि बेटी इस योगा को करना। और उसके बाद से बच्ची बोली देवराहा बाबा से कि बाबा हम आपका फ़ोटो खींचना चाहते हैं। तो बाबा बोले कि हम आशीर्वाद देंगे तो मेरी फ़ोटो खींचना। फिर बच्ची जो है देवराहा बाबा का फ़ोटो जो है खींची। उसके बाद से देवराहा बाबा ने ऊपर से एक वाइट रंग का कपड़ा गिराया और ऊपर से 3-4 टोकरी उसमें फल गिराया और जज साहब को बोले कि इलाहाबाद में मेरे फलाने फलाने भक्त हैं, उनको देते हुए जाना और जाओ, मेरी असीम कृपा है, बेटी ठीक हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री देवराव बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के दर्शन करने अक्सर कर आया करते थे और बाबा से काफ़ी देरों तक बात किया करते। उनकी लड़की एक पैर से अपंग थी और वो वैसाखी के सहारे चलती थी। शुरुआत में जज साहब इतने चिंतित नहीं थे जब वो कन्या छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो कन्या बड़ी होती जा रही थी जज साहब की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक पिता की तरह वो सोचने लगते, आखिर कैसे होगी मेरी बच्ची की शादी, कौन करेगा इससे विवाह, इसका जीवन तो दुख में ही बीतेगा क्या। एक दिन जब वे बाबा के दर्शन करने संध्या के समय उपस्थित हुए तो बाबा के सामने बीच में ही फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने बेग को संभाल ना सके और बहुत रोए। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चा क्या बात है, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। इस पर जज भक्त बोले, बाबा आप सब जानते हैं, आपसे क्या बताना और क्या छिपाना। जैसे जैसे मेरी कन्या बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे उसी को लेकर मेरे अंदर चिंताओं का विष बढ़ता जा रहा है। बाबा मुझे शांति नहीं मिल रही, आप ही बताइए मेरी लंगड़ी लड़की से शादी कौन करेगा। एक हाई कोर्ट के जज का अपने सामने इस प्रकार रोना देखकर बाबा के नेत्र उसकी चिंता की गहराइयों को समझते हुए सजल हो उठे। करुणामूर्ति बाबा ने उसकी कन्या को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा, तू उठा लेगी ना। बच्ची ने गर्दन हिलाकर बोला, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची अगर प्रसाद बहुत ज़्यादा दूंगा तो तू उठा लेगी ना। बच्ची ने फिर से ही स्वीकार रोकती दे दी। बाबा ने कहा, बच्ची ले ये फल ले। एक फल बाबा ने ये कहते हुए ऊपर से फेंका, फल कुछ हार दूरी पर गिरा था। बच्ची ने बैसाखी के सहारे जाकर उस फल को उठाया। इससे पहले कि फल को उठा पाती बाबा ने दूसरा फल फेंक दिया।
अब बच्ची दूसरे फल की ओर भागी। बाबा ने तुरंत से तीसरा फल भी फेंक दिया और साथ ही कहने लगे, अरे बच्ची, तू जल्दी जल्दी नहीं कर रही है, देख फलवा तोहरा मुखवा ताकतवा, ओके उठाओ जल्दी। ये सुनकर वह और भी जल्दी से फल उठाने की चेष्टा में लग गई। इधर उधर से फल पकड़कर एक जगह रखती चली गई और बाबा ने फलों की बरसात कर दी। बाबा ने उसे शीघ्रता के लिए प्रेरित भी किया था और कर रहे थे। इसी आधे फौने घंटे के कार्य में न जाने कब वो लड़की अपनी वैसाखी को छोड़कर दौड़ने लगी। भीड़ अचंबा देख रही थी और वो बच्ची दौड़ दौड़ कर फल उठा रही थी। वो भूल गई कि वो बैसाखी के सहारे चलती थी और अब वो बिना बैसाखी के ही तेजी से फल उठाती और एक जगह रख देती। बाबा पूरी तरह लीन थे उस खेल में, जो खेल उस लड़की के जीवन को सदा सदा के लिए संवार रहा था। एक तो जिन बाबा के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को भी लाइन में लगना पड़ता, उनका इंतजार करना पड़ता, वहीं एक अपंग बच्ची के लिए बाबा आधे पौने घंटे तक ये खेल करते रहे। बाबा ने आदेश दिया, अच्छा बच्ची हो गया, रुक जाओ। वो लड़की रुक गई और बाबा ने कहा, तुहार वैसाखी कहाँ है? उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी वैसाखी कहाँ गई और वो भूल ही गई थी कि वो वैसाखी के सहारे चलती थी। ये सोच करके वो लड़की वैसाखी उठाने गई, पर बाबा ने कहा, बच्ची अब रहने दो उसे, अब तुम्हारी वैसाखी तुम्हारे पैर ही हैं, तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जज साहब बहुत रोए, बाबा को बहुत बहुत आभार दिया उन्होंने, और वे परम भक्त थे। भक्तों के लिए तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। कई बार सैकड़ों व्यक्तियों को बाबा ने जीवन दान दिया है, उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। मित्रों, बाबा के आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गुरु जी के लाइव प्रवचन सुन पाएंगे। वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा हो तो, और मित्रों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सुंदर सुंदर कथाएं आगे आने वाली हैं। जय श्री बाबा।